दोस्तों, मेरा नाम है शराब, देख रहे हैं ड्राइवर साइकिल 3। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऑटोमोटिव न्यूज जो इस वीकेंड में आई है, और जानेंगे उन चीजों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या नहीं देख पाते हैं। बात करें कि जो हमारी जो ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए जो म्यूजिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाए जो बनाती है उन्हें मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है कुछ टाइम से। तो यहाँ पे उनके लिए मतलब कुछ बहुत टाइम से उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी न्यूज आ रही है कि अलेक्सा जो अमेजॉन अलेक्सा जो है वो आने वाला है आपकी गाड़ियों में भी। और यहाँ पर जो अमेज़ॉन ने है कोलैब अपने साथ में मिला लिया है BMW, फोर्ड और मर्सिडीज़ को, जो आपको काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर पाएंगे आपकी गाड़ी में, जिससे आप अपने घर में जो अलेक्सा है उसे भी कंट्रोल कर पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसमें नेविगेशन भी होगा आपको, एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड कारप्ले, आपको ऐसे बाकी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपको इसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एडिशनल फीचर्स भी बहुत सारे कुछ मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो तीसरी न्यूज़ की है वो महिंद्रा XUV700 की है, जो इस ईयर के एंड में आने की उसकी आशंका है, और वो आ सकती है इस ईयर के एंड में। और ये बताया जा रहा है एक फ्लैगशिप कार होगी, जो हमारे ऑटो एक्सपो हुआ था 2018 में, उसमें भी ये गाड़ी दिखाई गई थी, बट इसका नाम नहीं बताया गया था। अगर आपने वो गाड़ी को देखा है तो आप फोटो में देख सकते हैं कि वो गाड़ी कौन सी थी। बट यहाँ पे एक बहुत फ्लैगशिप कार होने वाली है वो, और ये इन्होंने कोरियन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन में बनाई है। तो ये काफ़ी कुछ अच्छी गाड़ी होने वाली है, काफ़ी प्रीमियम फील देने वाली है। तो अगर हम लोग इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आता है एक कमाल की न्यूज़ जो है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो है हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है इस 2017 से लेकर 18 में। यहाँ पे करीब उनको मिला है 18% का प्रॉफिट मिला है जो 2017 से लेकर 2018 के बीच में। और यहाँ पे कुछ फिगर्स है कि उन्हें मिला है करीब जो 2017 में उन्हें उनका जो एनुअल जो इनकम हुआ था वो करीब 2.92 लाख करोड़ का था, और उसके बाद में जो हुआ वो इस साल जो हुआ है करीब 3.45 लाख करोड़ का। तो ये काफ़ी एक अच्छा फिगर है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बताता है कि हमारे इंडिया की इकनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। और काफ़ी ये इस सब चीज़ों का जो मेटल वगैरह है हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो अगर इसके बाद में हम लोग बात करें कि सुजुकी जो है हमारी प्लान कर रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स को लाने का, क्योंकि 2030 तक जो है हमारी इंडिया भी प्लान कर रही है कि पूरी तरह से हमारी जो रस्तों पे हमें इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्यूल का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे कुछ और कुछ काम में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक कार्स ही आएगी काम में। तो यहाँ पे सुजुकी प्लान कर रहा है कि कैसे वो गाड़ियों को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ज़्यादा चीप बनाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो बैटरी है बैटरी सस्ती हो पाए, क्योंकि जो अभी तक जो लोगों में है कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो सस्ती नहीं होती, ये इनका जो रेंज भी होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर मतलब रेंज इनको इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल करने में। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम कर पाए, और ये यहाँ पे सुजुकी ने काफ़ी सारे अपने क्लेम किए हैं कि ये लोग गाड़ियों के बारे में इनके प्लान चालू है, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में चालू है। और बाकी तो अभी हमारे पास में सुजुकी की तरफ से है ही हाइब्रिड कार्स जो है करीब एस क्रॉस में, स्विफ्ट में भी, बलेनो में, ये हमारी
और कौन सी है, और कोई तो नहीं है। तो अगर इसके बाद में हम लोग बात करें वोक्सवैगन की, वोक्सवैगन की एक सब कंपनी है जिसका नाम है मैन, वो ट्रक मैन्युफैक्चर करती है हमारे इंडिया में। और यहाँ पर हमने देखा गया है कि उसका जो वो इस साल क्विट हो रही है, और ये करीब 14 महीनों में दूसरी कंपनी है जो इंडियन मार्केट में क्विट कर रही है। और इसके पहले जो था शेवलेट कंपनी जो थी उसने भी क्विट कर दिया था, क्योंकि उनका जो उनको जो है मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा तो लॉस ही हो रहा था। उनकी गाड़ियाँ जितनी बाहर में बिकती है उससे भी कम में बिक रही थी, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था उससे भी कम में बिक रहा था जो प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हो रहे थे। तो बट इस साल जो है मैन भी क्विट कर रही है, ये वॉक्सवैगन भी क्विट कर रही है। और यहाँ पे उनके जो ले एक उनका जो फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें प्लान किया जा रहा है कि उनको उन्हें जो दूसरी कंपनी खरीदे, वो जो फैक्ट्री दूसरी कंपनी खरीदने वाली है उसमें एम्प्लॉयमेंट दे दे। बट देखते हैं इसके बारे में और क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आगे जो न्यूज आती है वो करीब जो बोश कंपनी है उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे करीब उसको 21% का प्रॉफिट हो रहा है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। और यहाँ पे जो हमारे पास में लास्ट न्यूज निकल के आती है लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, तो लिथियम आयन बैटरीज जो है हमारे इंडिया में काफी ज्यादा कंज्यूम हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे जो स्मार्टफोन्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है, जो हमारे लैपटॉप्स है उनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब इतना कंसिडरेबल नहीं है बट काफी हद तक बढ़ गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ गया है, तो फिर प्रॉफिट जो है लिथियम आयन बैटरीज जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी उन्हें ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।